अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं, किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके उसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो देखो हमें एक फंक्शन गिवन होगा जिसे हमें दो बार तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इसमें हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दो बार उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं मान लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है, मुझे y की वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यानी कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है y की। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है और वो फंक्शन क्या है, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। ये एफ एक्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स आता है, इसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ रही है कि जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसे किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में होना जरूरी है। अगर वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में है तो उसे पहले हम गिवन इक्वेशंस का यूज करते हुए कन्वर्ट करेंगे और एक वेरिएबल की टर्म्स में ले आएंगे। हम अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को जब देखेंगे तब बताएंगे कि किस तरह हमें कन्वर्ट करना होगा और एक वेरिएबल की टर्म्स में फंक्शन को लेकर के आना होगा। तो देखते हैं पहले क्या है एल्गोरिदम। हमें y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहां से मिलेगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट कर देंगे जहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पुट कर देते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो यहां से मैं मान लेता हूं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर हमें एक्स इक्वल टू एक्स वन मिल गया, कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स वन मुझे मिल चुका है। अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। वो क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है सेकेंड डेरिवेटिव। अब यही हमें बताएगा कि हमें एक्स इक्वल टू एक्स वन पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहला है अगर मैं इस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अंदर, यानी कि एफ डबल डैश एक्स के अंदर, जब ये एक्स की वैल्यू एक्स वन पुट करूंगा तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। हो सकता है मुझे ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे दे, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उस केस में हमारा x इक्वल टू एक्स वन जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखना क्या कर रहे हैं हम यहां पर, अगर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दें और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अच्छा, सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ही, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू एक्स वन पुट करने पर हमें नेगेटिव मिल जाए, एक नेगेटिव आंसर मिल जाए, तो उस केस में हमारा x इक्वल टू एक्स वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी उस फंक्शन की, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और थर्ड केस हमारा होता है अगर उस डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी कि डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स वन हमारा जीरो आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता था, अगर वो जीरो आ जाए तो उस केस में हमें फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम सेकंड डेरिवेटिव से नहीं बता सकते कि वहां मैक्सिमा है मिनिमा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो क्या करेंगे यहां पर फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे बाद में देखेंगे कि ये फर्दर इंस्पेक्शन क्या है, तो हमें उसके आगे भी उसे टेस्ट करके देखना पड़ेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाते हुए। तो यहां पर हमें सेकंड ऑर्डर से नहीं मिलेगा, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लेते हैं हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है। हमेशा यही करना होगा कि एक फंक्शन दिया होगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, उसे एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख देंगे जहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारा डिफ्रेंशिएशन करके उसे जीरो के इक्वेट कर दो जहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा, उस फंक्शन की डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लो, ये मिल गया।
डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। और तीसरा स्टेप है, डबल डेरिवेटिव के अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो, अगर पॉजिटिव मिल जाए तो मिनिमा, नेगेटिव मिल जाए तो मैक्सिमा, और जीरो मिल जाए तो फर्दर इंस्पेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से सीबीएसई में आता ही है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो क्या पूछा जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले से ही एक क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया हमारा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम आगे देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन करने कैसे हैं, सॉल्व कैसे करने हैं। एक बार डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो चेक कर लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा बताना है, और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एफएक्स की वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इंटरवल गिवन है कि एक्स की वैल्यू 0 से 2π तक होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू 0 से 2π के बीच में होने पर इस फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास, वो आएगा कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसे जीरो के इक्वेट कर देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करने पर मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये मिलेगा मुझे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड करने पर मिलेगा टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, इक्वल टू माइनस ऑफ टेन पाई बाय फोर, और टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर, ऐसा लिख सकते हैं, टेन के अंदर माइनस साइन चला जाता है। टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा होने पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एन पाई प्लस एल्फा, तो एन पाई प्लस ऑफ माइनस पाई बाय फोर ऐसा बन जाएगा, वेयर एन हमारा एक नेचुरल नंबर, एन हमारा एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब मैं इसमें वो वैल्यूज लूंगा जो मेरी 0 से 2π के बीच में आ रही होंगी। तो मैं यहां पर अगर n की जगह 0 पुट करता हूं तो मिलेगा माइनस पाई बाय फोर, वो 0 से 2π के बीच में नहीं आता। n के प्लेस पर मैं 1 पुट करूंगा तो मिलेगा पाई माइनस पाई बाय फोर, तो पाई माइनस पाई बाय फोर 3π/4, वो तो वैल्यू लाई करती है। तो क्या होगा, एक वैल्यू तो मुझे मिलेगी यहां से एक्स इक्वल टू 3π/4। ठीक है, दूसरी क्या होगी, n के प्लेस पे 2 पुट कर देता हूं तो 2π-π/4 वो बनेगा हमारा 7π/4, तो वो कितना होगा, वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है 7π/4, क्योंकि वो भी हमारा 0 से 2π के बीच में लाई करता है। n के प्लेस पर 3 पुट करो तो 3π-π/4, और वो 2π से बड़ा हो जाता है। तो हमें सिर्फ यही दो पॉइंट्स लेने हैं। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करके इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करेंगे, देखो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, वो होगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 3π/4, 3π/4 पर अगर इसके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालू तो वो होगी एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4 ऐसा बन जाएगा। तो इनकी वैल्यूज निकालनी आती हैं, कितना होता है ये हमारा 135 डिग्री है, 3π/4 जो है वो 135 डिग्री है। साइन 135 डिग्री पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, रूल होता है हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर 3π/4 यानी कि 135 डिग्री पर साइन पॉजिटिव होता है। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, साइन 3π/4 पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें मिलेगी 1/√2, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1/√2 क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से है। कॉस 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू भी 1/√2 है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -1/√2। ओवरऑल ये हमारे पास बन जाएगा -2/√2, जो कि एक
नेगेटिव क्वांटिटी है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, बस देखो कि क्या है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, जीरो से छोटी है, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 3π/4 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसी तरह अगर मैं इसमें दूसरा वाला पॉइंट पुट करता हूं, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 7π/4, 7π/4 मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे यहां पर भी एफ डबल डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एट 7π/4 वो होगा हमारा माइनस ऑफ साइन 7π/4 प्लस कॉस ऑफ साइन 7π/4, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो इसे 2π - π/4 लिख सकते हैं, साइन 2π - π/4 माइनस में होता है, ठीक है, नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन π/4 और 2π - θ में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो इसकी वैल्यूज कॉस π/4 आ जाएगी। कॉस π/4 का मतलब है ये दोनों 1/√2 ओवरऑल पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू 7π/4 जो मेरा है उस पर हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है कि एक बार डिफरेंशिएट किया, जीरो के इक्वल रख दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स पुट करके देखे, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन होगा किसी क्लोज इंटरवल में और हमें बताना होगा कि उस इंटरवल में उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, देखो हमने क्या किया था, अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली थी तो एफ डैश एक्स को जीरो करके पुट कर दिया था, एक्सट्रीमिटीज वैल्यूज मिल गई थी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए थे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन है कुछ इस टाइप का, ये एक फंक्शन है, यहां पर मैं वैल्यू एक्स इक्वल टू ए से स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैं एक्स इक्वल टू बी लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इस फंक्शन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो वो इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, वो ये पॉइंट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स जरूरी नहीं है कि जीरो हो, क्योंकि ये उस कर्व का बीच में से लिया हुआ हिस्सा है, हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, और एक इस पॉइंट पर मिलेगा। लेकिन इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां है, यहां इस इनिशियल पॉइंट पर भी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा बताना है तो इसका मतलब है हमें उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, तब हमें पता चलेगा कि उस ग्लोबली उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैं करके दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 24x + 107, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इसे एक बार डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, लेकिन हमें यह भी दिया हुआ है कि ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन क्लोज इंटरवल 1, 2, 3। करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स आएगा हमारा 6x² - 24। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसे जीरो के इक्वल रखने पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनमें से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 6x² = 24x² = 4। तो x² = 4 को सॉल्व करने पर x की वैल्यू ±2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू ±2 का मतलब है x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, लेकिन हमें बोला है 1 से 3 के बीच में चेक करके बताओ, तो -2 तो 1 से 3 के बीच में नहीं लाई करता, तो फंक्शन की डोमेन में वो पॉइंट नहीं है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ एक्स इक्वल टू 2 को ही हम चेक करेंगे कि वो एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इसमें हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट एफ ऑफ 1, एट एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3, यानी कि उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स पर भी वैल्यू निकालनी है और क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, क्योंकि हमें उसको मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना है। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना आने वाला है, एफ ऑफ 1 यहां पूरे फंक्शन में x के प्लेस पर 1 पुट कर दूंगा, तो ये मिलेगा 2 - 24 + 107, तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 24 + 107, और इसे सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा हमें 85, ठीक है।
एफ ऑफ टू, एक्स के प्लेस पर मैं टू पुट कर दूंगा, तो टू पुट करने पर भी मुझे कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारी हो जाएगी टू इंटू टू क्यूब, यानी कि हमारे पास हो गया एट इंटू टू सिक्सटीन माइनस 48 प्लस 107, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 75, ठीक है। और इसके बाद f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3 के लिए x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये होगा हमारा 2 इंटू 27 यानी के 54 माइनस 24 इंटू 3 72 प्लस 107, और ये हमारे पास बन करके मिल जाएगा 98, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन ही वैल्यूज के हिसाब से बताएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, वहीं हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा को डिक्लेयर कर देंगे। तो इसमें क्या है, हम देख करके बता सकते हैं कि 98 हमारा मैक्सिमा है, ठीक है, जो कि एफ ऑफ 3 के लिए है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें 98 मिलती है, और x इक्वल टू 3 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू उसी पर मिलती है। और इसी तरह अगर हम ढूंढने निकले कि हमारे पास मिनिमा कितना होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, तो वो 2 है, x की वैल्यू 2 है, तब हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, और मिनिमम वैल्यू 75 है, ठीक है। तो क्या करना है, लोकल मैक्सिमा में हमें इंटरवल नहीं गिवन होता, ग्लोबल मैक्सिमा में हमें कुछ इंटरवल गिवन होता है कि उसकी वैल्यू इसके अंदर ही बतानी है, तो वो हम निकाल सकते हैं उनमें से जो मैक्सिमम होगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है और टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे मैक्सिमा और जो मिनिमम होगा उसे मिनिमा कह देंगे, ठीक है, लिख लो इसे।